हेलो फ्रेंड्स, मैं रौशन बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पाने के लिए। आखिरकार दोस्तों, बिहार बोर्ड ने काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी बेनिफिट रूल्स यहाँ पर लेकर 10th एंड 12th के स्टूडेंट की लाई है 2020 से। जो भी स्टूडेंट 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनको ये रूल्स सुननी चाहिए। आइए मैं जानता हूँ दोस्तों क्या रूल्स आखिर इस बार निकली है। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे अच्छा से, यहाँ लिखा होगा कि बिहार बोर्ड ने विद्यालय समिति जो है इस बार से उत्तर पुस्तिका व आपका OMR sheet दोनों, वनली सिर्फ उत्तर पुस्तिका नहीं आपको OMR sheet में भी, सुन लीजिएगा, इसके लिए बोर्ड ने एक नया नियम बदलाया है, मतलब बदल दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जो है उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 से, मतलब कि जो अगले साल से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जो विद्यार्थी देंगे, कौन देंगे, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जो विद्यार्थी देंगे उनको उत्तर पुस्तिका OMR sheet जो है अब बिना कोई परेशानी के उनको हाथ में थमा लिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले इसके लिए अलग से स्क्रूटनी के लिए, माफ़ करना दोस्तों, स्क्रूटनी निकलता था, स्क्रूटनी के लिए डेट निकलती थी, उसके लिए आपको जमा करके पैसा, स्क्रूटनी के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा इंतजार करने के बाद में आपकी रिजल्ट दोबारा निकलती थी। लेकिन अब जो है कहा गया है कि आप अगर आप सोचेंगे तो आपकी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका एंड OMR sheet दोनों, पहले सिर्फ मिलती थी उत्तर पुस्तिका, अब OMR sheet भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ रुपया चुकाना पड़ेगा। यहाँ देख लो कि इसके लिए उत्तर पुस्तिका के लिए उनको 500 रुपया, जो अगर आप लेंगे उत्तर पुस्तिका उनके लिए 500 रुपया मिलेगा आपको, मतलब 500 रुपया आपको देना होगा, और OMR sheet के लिए आपको 100 रुपया ही मात्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जारी करने के बाद जो है सो उनको वो मिल जाएगी। और बता दूँ ये आपको कब होगा, जब आप रिजल्ट, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट जारी हो जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर में, उसके बाद ही जो है सो आपकी, आपको उत्तर पुस्तिका OMR sheet दोनों आप पा सकते हैं। तो ये रूल्स नया आई है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये रूल जो है काफ़ी छोटा अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से, और अभी तो दोस्तों शुरुआत हुई है। अभी आप बिहार बोर्ड में आपको हर महीने आपको न्यू अपडेट आती रहेगी एग्ज़ाम तक में, जैसे पिछले साल हुई थी। पहले आपको डमी एडमिट कार्ड आएगा, डमी एडमिट कार्ड के बाद में फिर आपको जो है सो सुधार होगी, फिर आपको एग्ज़ाम, बहुत सारे वहाँ पर चक्कर है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करिए, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट बिहार बोर्ड के लिए मिलती रहेगी। अब आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड के भी काफ़ी जो पहले मिलती थी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और ऐसे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमेशा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी बेनिफिट आपके लिए नॉलेज होगा। चलो मिलता हूँ।